साउंड वाला सलवातो कालेह वाला भाई ही फियादे साव ते वफी कुले सा मिनसात लेले वन्नहार वलियन वह फिदन व कायदन व नासिरन व दलीलन वाहन अदत उसके नहू वर्जा कातों व तुमते अहू फिहा तवीला या रब मोहम्मद वाले मोहम्मद सले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरज आले मोहम्मद सलवात आवाज ज्यादा कर भाई तू दर्जात अपने दुनिया से मनवा के छोड़े हैं मुमकिन न थे जो काम वो करवा के छोड़े हैं छीने गए थे कपड़े आदम से खुल्द में हसनैन ने जमीन पे मंगवा के छोड़े बिस्मिल्लाह सही है माँ हुसैन भी राजी हो सारे इबादत करो तोड़ता ही है जरी मैं सदके जावा मौला तुहानू सलामत रखे आजादार हमेशा वस्ते रह कल भी ड्यूटियां मौलियत मौला दियाँ पर कल एक मजलिस सही तुहाडे इत्थे नेड़े वो हाजिर नहीं हो सकिया पिछे बड़ा लेट हो गया से जान मुहम्मद आले अगले साल जींदे रहे तो फिर नौकरियां दा हो जासन एक बात करके जा रहे हैं 24 सफर इंशाल्लाह भाई कोल नौकरियां दा सात रबी उल अव्वल भी जड़ियाँ जड़ियाँ नौकरियां जींदे रहे तो नौकरी जरूर अदा करांगे क्योंकि तुहाडी दुआ दे सदके ही फिर मिंबर दे काबल होए हैं ईसाइयां दा तरस होया थोड़ी जियारत के काबल हो गए हैं बड़ा बड़ा करम हो मेरे मालिक का एक जुमला आखन लगा और उसके बाद कसीदा पढ़ने हैं कायनात जिन कोई ना देवे उन्होंने हुसैन देना बुलाई यार साउंड तुम बैठे साउंड से थोड़ा आवाज़ ज्यादा करे जे आवाज़ थोड़ी जी मदद करे जे मेहरबानी उसी कायनात जिन कोई ना देवे हम ठीक जिन कोई ना देवे हुसैन देंदा दे के नहीं पुछता तेरी जात की है हाथ खोल हाथ खोल हाथ खोल के बने देख के नहीं पुछता तेरी जात की है नहीं पुछता तू कितों आए नहीं पुछता तू क्यों आए जेड़ा सब कुछ दे के अगों कुछ ना मंगे उसने हुसैन आ गया दाद मकसद नहीं वल्ला बिल्ला मिंबर ते खड़ा मैं को पहले दिन नहीं आया तेरे सामने भी मैं तेरे तो दाद वास वसूल करना है मैं अपना आप मनाण आया मनाण वाली गल ही कोई नहीं इमाम हुसैन का जिक्र है मेरा कम है मैं पिन्हण आया मेरी बात समझना और जिथे याद आया दुआ कर देना मजलिस का मकसद ये नहीं दात मजलिस का मकसद ये नहीं भी न्याज चौखी ले ली मजलिस का मकसद ये नहीं भी लंगर ठीक कर लिया मजलिस का मकसद है तू हासिल की कीता है मजलिस इस चीज़ का नाम है जो मजलिस मुके अगर तेरे कोल कोई बुरी आदत है मजलिस के बाद ना हो मजलिस है अगर तू नमाज नहीं पढ़ता तो मजलिस सुन के आवे तो मजलिस तो बाद नमाज पढ़े इन मजलिस आदन एक ही मजलिस है बानियान मजलिस करा ली दाद चौकी हो गई बड़े बंदे आ गए बड़े जाकिर पढ़ा ले मजलिस बोल गई पता ही नहीं मजलिस होया की है कोई मजलिस नहीं मजलिस इमाम हुसैन दी है ते दरसे आले मुहम्मद है गाजी दा पहरा है बारहवें दी कचारी है कोई टुकर ते हुसैन दुश्मन नूं भी देंदा है मैं जिम्मेदारी नाल पैदा करबला च हुसैन 9 लाख नूं पैदा तुम हो बनने वाले हम बनाने वाले तुम हो खाने वाले हम खिलाने वाले इसका मतलब है हुसैन दुश्मन शाबाश है जरी चंगे भले बोलते बोलते ना बुजुर्ग आदमी जिहड़े तरगड़े चुप कर जाते हैं तो बच्चे ढेर बोलते हैं एक फरमान सुना ना और कसीदा पढ़ रहे हैं क्योंकि अगर भी ढेर ड्यूटियां ढेर सारिया बरामदियां कराने वाली दुआ करो अगर पहुंच जासा इमाम हुसैन करीम केड़ा है बादशाह लजपाल केड़ा है बादशाह शहनशाह केड़ा है वेखते जाना आओ सामने बैठन इस पासे खड़े ने उस पासे बैठन जिथे जिथे मेरी आवाज जा रही जुमला समझना और जिथे ये नहीं भी इतने आके दाद आती है जिथे होवे बंदा उत्थे ही दाद हो जाती है मेरा छेवा इमाम फरमाता है मेरे तेरे घर बच्चा जम पवे तेरे घर ते मेरी मर्जी दे दो कम कर बादशाह की करिए फरमाया फुरात का पानी लें खाके शिफा हल करें बच्चे नूं घुट्टी दे दें हाथ खोल यार फ्रंट सीट दे हाथ खोल के भेजा फुरात का पानी लें खाके शिफा हल करी मैंने वे फुरात का पानी लें हाथ खाके शिफा हल करी उन घुट्टी दे दी बादशाह नतीजा क्या निकलेगा तमाम जहान दियाँ खुशियाँ छेवें ताजदारे विलायत दे चेहरे ते आईयां बादशाह फरमाया नतीजा ये निकलेगा हुसैन नूं सोचेगा नहीं अली नूं भौंकेगा नहीं ऐ मैं यार इत्थे बिस्मिल्लाह करो ताकत ना जवाब दे है जरी अल्लाह थोड़ा वक्त जाया ना करिए कसीदा सुनाइए जनाब नूं बड़ी मुनफरद जी बात है बड़ी वक्री जी बात है मेरा भिरा मेरे तो पहले पड़ गया कमाल कसीदे पर आज टोटे कर गया मैं बार बार उन्हें दरिया पूरा कर कसीदा
ਇਮਰਾਨ ਵੀਰਾ ਮੈਂ ਤਲਿਆ ਦਰਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਸੀਦਾ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਲਾਲਾ ਕਰ ਗਿਆ ਟੋਟੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਪੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨੇ ਮੈਂ ਕਸੀਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਯਾਦ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰ ਦੇ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ ਕਸੀਦਾ, ਇੱਕ ਸਲਵਾਤ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਜ਼ਾਤ 'ਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼। ਬੰਦੇ ਢੇਰ ਬੈਠੋ, ਸਲਵਾਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਈ ਆ। सारा अली से मिला है, सुनो जी दिन सारा अली से मिला है, जुगने 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 दिन सारा अली से मिला है। जिसने ताई देखो जिंदगी बख्श दी, वो ही सजदा अली से मिला है। शाबाश, ऊंचा नारा ताकत नाल बोल हैदरी, फिर बोल हैदरी, फिर बोल हैदरी, वो ही सजदा अली से मिला है, चुनदे वही सजदा अली से मिला है, चुनदे वही सजदा अली से मिला है, वही सजदा अली से मिला जिन अली झुक रहे है। वो कैसा जफर पीर बादशाह है। एक शेर पढ़दा इमरान लाला, शेर पढ़ लगा, नसर नहीं करदा बंदे सजदा कर दे ताने अल्लाह मिले, मैं मिंबर ते प्यादा इब्ने आदम सजदे किए हैं, बहुत इब्ने आदम सजदे किए हैं, बहुत अजर भी झुके के लिए, बहुत अंबिया भी जो सुए मुसल्ला मिले, सबकी हसरत रही है के अल्लाह मिले, सबकी हसरत रही है के अल्लाह मिल, इनको अल्लाह अली से मिला। हाथ वेखण दी, हाथ वेखण दी खड़ा रह गया। उच्चा बोल हैदरी, खड़े बैठे उच्चा हाथ लंबी छवि बड़ा हैदरी, फिर बोल हैदरी, इनको अल्लाह अली से मिला है, सुन जे इनको अल्लाह अली से मिला है। बहलोल चौक च मैं बंदा तां आखण लगा तुहानूं समझ आवे, दो त्रै बंदे कोलों लंघे, बहलोल हुण बैठा कुछ खा रहे, माशर दे मैदान दे आखिरी लम्हे ताईं पिंडाल बोले मेरे शेर फिर भी ताकत ज्यादा है, काबू होना जी, दाद वास्ते आए नहीं, अगर समझो तो दुआ कर देना। चौक च बैठे बहलोल, बहलोल हुण वेख रहे ये जा रहे, यकदम रोक के बैठा, बहलोल गल सुन, बहलोल ते पहली गल ते आराम नाल बोलना, हाय हाय हाय, नौकर अली दे मैं वेले वेखना, आराम नाल बोल, कुछ पुछना ही तो उत्थे खड़ो के पुछ, क्योंकि तेरे दिल ले चली नहीं, तू निजस है, हाय हाय, मैं तेरे नाल गल ही नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी अगर तू रुक गए तो चल मैं तेन पुछदा। खैर है बहलोल, तेरिया ना फैक्ट्रियां ना जमीन जायदाद ना कोई, तेरी गल ना बात ठीक है, ना तेरी गल ना बात, हला मैंने 15 मिनट तो हो गए पढ़ते और मारू वो मैनू जितना मैं पढ़ सकिया, मैं पढ़ता लाजमी, अफजाल पीर हाजरी जरूरी है, 15 मिनट तो अगे हो गए, अगो मारू वो मैंने, गर्मी अगे बढ़ी है। मैंने वेखना जी, एक शेर पढ़ी है, जनाब दियाँ ज्यारतं हो गई, शेर सुनना। वो बहलोल, तेरा ना बैंक बैलेंस तो ना कोई तेरे को होर, ਇਹ ਜਦੋਂ ਲੰਘੋ ਤੇ ਇੰਜਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ, ਖਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ, ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਦੂਸਰਾ ਬੋਲ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਸੀ, ਲਫ਼ਜ਼ੇ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਨਾ ਹਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੱਚੇ ਰੌਣਕ ਆ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ੇ ਮੰਗਣ ਆਏ, ਅਲੀ ਦਾ ਨੌਕਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਈ ਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਬਾਤ ਸੱਚ सुल्तान दार जाली औलाद जहरा का हसन, ओ जानी औलाद जहरा का हसनैन का, रोज सदका अली से मिला।
उच्चा बोल नारे हैदरी इमाम हुसैन दी अमत राजी हो सारे राजी हो एक मेरा दिल करता पंजाबी जबान का कसीदा पढ़े हूँ बाबे बोले हैदरी मैं कहना पंजाबी जबान का कसीदा पढ़ी सब तो पहले बुजुर्ग आख्या बिस्मिल्ला जवाना तो भी पहले पंजाबी जबान का कसीदा लेकिन है वखरा बिल्कुल वखरा करबला दे मैदान च अकबर दे बाबे खुतबा दिता लोगों दस ऐसी कौन भाई पूरी तवज्जो इमाम हुसैन दस असी उन्होंने इमाम हुसैन पूछा मैं वेखना और दसिया किवें मैं वेखना दसिया किवें दसिया किवें इमाम हुसैन आख्या बस अगर इन्होंने दसिया ना ना गया इन्हें माशर के मैदान च आखना सानू कड़ा पता हुसैन क्या हा सानू हुसैन दसिया तो असं ये कम ही ना करिए हुज्जत तमाम करिए ताकि इन्हों बहाने मुक जान ताकि सीधे जहन्नम जाना सौखा हो जाए असी दसने असी इमाम हाँ बार बार हुसैन आखे ना असी दसने तो जरा जवाब आए बादशाह बास आखे जी जरूर दसना चाहिए इमाम हुसैन घोड़े ते बह गए बादशाह टुर पे 9 लख चो एक जरनैल उन्हें अगे भेजा भी तू गल्ला कर उस जरनैल दे घोड़े की वाग उहदे नौकर दे हाथ च ए मंदर समझना भाई हूँ इमाम हुसैन सामने आ रहे खेमे के पास्यों इधो जा रहे मैंने वेखना यह इधो जा रहे सामने इमाम हुसैन आ गए सामने हूँ नौकर ने उस आ गया बोल है गल कर उस आ गया मैंने मराना ही उस आ गया मैं तेन आख्या गल कर उस आ गया वो चेहरे ते जलाल ते वेख हाय 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 सियाल मोड़ चुने आजादार वो चेहरे ते जलाल ते वेख इमरान मेरा वो चेहरे ते जलाल ते वेख वो मार देगा वह वेद है तो मैं डर लगता है हो सकता अगर तू ना बोलिया ना तो मैं तेन मार देना उस ने सोचा भी जे ना बोलना तो यह मारेगा जे बोलना तो वह मारेगा कुछ ना कुछ बोल ही लेने उस आख्या जी हमें मैं अपने को नहीं पिया था इस मैनू आख्या है बड़ा सरदार है त्रै बारी उस आख्या बड़ा सरदार इतनी जागीर इतनी दौलत इमाम हुसैन आख्या अच्छा जी गल बादशाह आख्या बादशाह फरमाया इनू आप नहीं पता है कौन है ओए होए उस आख्या मतलब बादशाह फरमाया अज मैं दसदा मैं कौन हाँ तो मैं ही दस दिना समझ शामिल हो जी गर्मी बड़ी है लेकिन कोशिश करदा मैं कसीदा मुकम्मल करदा बादशाह फरमा रहे साकू अल्लाह ताहिर उच्चा बोल है दरी फिर बोल है दरी फिर बोल है दरी साकू अल्लाह सरदार मैं तेन की दसा एदिया इतनी जागीर इतनी दौलत मोड़ के मेरा इतनी गर्मी मैं शेर पड़ा तू शेर हलावे अकबर दा बाबा दे तेन क्या पता मैं दस देना एदा हसब ते नसब फजूल मेरा नाना पाक रसूल आए आए शाबाश उच्चा बोल है दरी फिर बोल है दरी फिर बोल है दरी इंदा हसब ते नसब इस पास दाद नहीं आई इस भाई तो लैके मैं इंज करके पहला शेर में पढ़ने लगा मैंने याद है मुल्तान चौक कुमारा मुहर्रम में मैं शेर पढ़िया मैंने याद है अजे तक हद्दे निगाह मजमा और जिस अदा से शेर पढ़ी उस रात बाबा सर शाह मैंने दसिया बानी अशरे दे मुल्तान अशरा 2 साल पहले पढ़िया 80,000 हो सका बंदा स्कैनर चो गुजर चुके हैं इतने लोग हैं रोड बंदन पुल बंदन
इतने अदादार कट्ठे हैं, पूरा पिंडाल खड़ा मैं वेखे है। जे अज कक्की नौ ना बोलिया, सैयद नौ ना बोलिया, किथे जावांगे? मैं वेख उस आख्या जी इतना सरदार, इतना वड्डा सरदार, गाजी बादशाह तरस फरमावी इन्हां ते भी मेरे ते भी। उन्हें आख्या एडा वड्डा सरदार, ए फुलां दा बछड़ा, ए फुलां दा नौकर पे दसदा है, फुलां दा, मैंने वेखी फुलां दा बछड़ा, फुलां दा बछड़ा। आवाज तू ज्यादा कर, कोई बहाना ना करे, मैंने सुनिया नहीं। तू कैमरा मोड़, मत्तिया ते फोकस कर, अकबर दा बाबा दे, तेनू क्या पता ए क्या है? मैं दस देना, ए पुत्तर बाजारी मां दा, मैं हां बछड़ा सहारा। लाल कलंदर, मैं सदके जावा, बादशाह फरमा रहे ने पुत्तर बाजा जै दुनिया को पढ़वाया कलमा इल्लल्लाह दा, ओ घर साडा बड़ा मारे इस वेड़े नू, चिट्टे दिन मारे है। दुनिया च हर बंदा जमीन लेंदा, मैं घर बनावा, शबीर जमीन ली मैं अकबर दफनावा। मैं फिर दोहराना ताकि शामिल हो जाओ। वल्ला बिल्ला मिंबर पाक इमाम हुसैन ते खड़ा, ईसाइयों की दित्ती हुई ताकत है, मैं जितनी नौकरी अदा करना। मैं डॉक्टर आखे तू जल्दी मिंबर ते नहीं जा सकता, मैं आख्या मैं साइया वाला मंगिया बीबी का पटे वाला नौकर हाँ। मैं आख्या बीबी तेरे पुत्र दे दिहाड़े ते मैं ते तेरे पुत्र तो जिंदगी मंगी जिक्र वास्ते, अगर मैं जीना ही नहीं, जिक्र ही नहीं करना, फिर जीना ही नहीं। या तो मेरे साह मुका या मैं मिंबर ते भेज। ये साइया का तरस है, बीबी का तरस है, थोड़ी दुआ है, मैं फिर थोड़े सामने मौजूद हाँ। और वल्ला बिल्ला गर्मी बहुत ज़्यादा है, आखिर इंसान हाँ। मैं एक जुमला आके जा रहा, जे कोई समझे, मैं फिर प्यादा, हर कोई जमीन लेंदा है, मैं घर बनावा, शबीर जमीन लई है मैं अकबर दफनावा, शबीर जमीन लई मैं कासिम दफनावा। ओ मैं सदके थोड़ी हाय तो सदके जावा। अगर मैं तफसील करता जावा तो मेरा मिजाज जानना, फिर घंटे चाहिए। मैं तफसील नहीं करता, मैं अज चुने जे दो जुमले पढ़दा। जंजीर लह गए मेरे भाई आखे ही वड्डी सहन दे दुखां दे, एक वैण करना, अज एक होर वैण करदे आ, और ये वैण करदे आ जिस वैण ते मैं तड़प दे वेखे न मातमी। मैंने वेखना जिंदगी भर रोना ही ते मैंने वेखना, मैं तेरा मिजाज जानना। जंजीर लह गए निशान रह गए, मैंने वेख मारन वाले थक पे, मरीन वाले न थके। मैं अमीर बंदे नाल गल ही नहीं पे करदा, जिन्हें पता है अज वी सफर अगली सत्र सुने, ताजी आने त्रुट गए। शाबाश ना थकण वाले, मैं सदके जावा, छोटे छोटे बच्चों की अखा छंजू आ गए। ताजियाने त्रुट गए, मातम कबूल हो, ताजियाने त्रुट गए। अली दियां धियां न थकियां, अद रात दा वेला मेरे बीमार इमाम नूं बुलाया ने। मैं सैयद ए जुमला आखण लगा, और जुमला पाकिस्तान की गल नहीं करता, मैं दुनिया के जिस मुल्क च जुमला आखिया, इमाम हुसैन के मिंबर के खिलाफ च मेरा हथ है, इस तो वड्डी कसम ही नहीं। दुनिया के जिस मुल्क च मैं जुमला आखिया, मैं नहीं वेखिया भी मातमी होवे, भावें नवा शी है, ओदी हाय ना उची होई होवे। अद रात वेले मेरे इमाम, शायद मैं इत्थे ही छड़ जावां जे तैनूं समझ आ गया, ते तू रोण दा आदी है, मैं तैनूं जानना। इमाम हुसैन दी कसम, अद रात वेले इमाम नूं बुला के पैदे, सजाद है जिहड़ी मेरे कोलों मामूली जी गलती, ओदी माफ़ी दे दे। बाकर दा बाबा प्यादे, ओए मेरी मां दी चादर मामूली, आहा मातम दा सदा बुलंद हो गई, ओ मेरी मजलिस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन मेरी पिन्नी होई खैरात है, फजैल सिर्फ इसलिए पढ़ना तो लोगों को पता लगे वसदे किवें आ। मेरी मां दी चादर मामूली आई, मेरे अकबर दी बरछी, मेरी बहन दे दुर। अद सजाद जेड़ा उजड़े ना, वो वस पौंदा है। बाकर दा बाबा दे किथे वसदा, थोड़ी सदके जावा बाबा, यो ताई चाहिदी। बाकर दा बाबा दे किथे वसदा, अदे वतन लगा जा, सैयद आदे वो मेरे नाने दा है, आदे नजफ सैयद आदे मेरे दादे दा है, आदे करबला सैयद आदे मेरे बाबे दा है। सजाद तेरा केड़ा वतन है, मिट्टी ते बह के प्यादे, मेरा वो वतन है जिथे रश देर होवे, लोग राह ना देवन मां दे सर ते। शाबाश शाबाश। आदे सजाद हर कोई उजड़ के वसदा है,
ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਤਰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਬਾ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹਾੜਪੁਰ ਵਾਲੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਮੌਲਾ ਦੇ ਬਾ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਕਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਤਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਸ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਖਣ ਵਸ ਪੋਸੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਤਰ ਪੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਰੋਕ ਕੇ ਪਿਆਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਸ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਬੁਰਕਾ ਲੈ ਜਾਵੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰੇ, ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਉਜੜੇ ਵਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਜਾਦ ਦਾ ਵਸਣ ਮੁਹਾਲੇ, ਅਦੇ ਸਜਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਜੜੇ ਉਹ ਵਸਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਬੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ, ਅਗਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਕਰੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਅਦੇ ਸਜਾਦ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ, ਬਾਕਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਦੇ ਤੂੰ ਕਿਆ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ, ਅਦੇ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਹੈ ਦਾਦਾ, ਪਹਿਲਾ ਵਾਰਿਸ ਲਾ ਇਲਾਹ ਇਲਾਹ, ਦੂਸਰਾ ਵਾਰਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ, ਤੀਸਰਾ ਵਾਰਿਸ ਅਲੀ ਬਿਨ ਵਲੀ ਉੱਲਾ, ਹੋਵੇ ਸ਼ੀਆ ਤੇ ਹਾਏ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹਦਾ ਨਸੀਬ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਜਾਦ ਹੋਰ ਕੌਣ ਵਾਰਿਸ ਹੈ ਸਈਦ ਆਦੇ, ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਹੈ ਜਿਹਦੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਸੋਹਣੀ ਹਾਏ ਕੀਤੀ ਬਈ ਸੋਹਣੀ ਹਾਏ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਚੌਕ ਚਾਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਦਰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਅਲੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਦਾ ਸਜਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਇਤਨੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਜਾਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ ਜਾ ਨਾ ਪੁੱਛਾ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਕੋਲੋਂ ਅਤੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਵੱਖਰੇ ਤੁਰੇ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਰੇ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਕਰੇ ਬਾਬਾ, ਮੈਂ ਕਦਰਦਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੁਮਲੇ ਪਿਆਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਦੀਦ ਪਈ ਹੈ ਇੱਥੋਂ, ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਬਾਂਧੀ ਬਾਂਧੀ ਮਿੱਟੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਈ, ਇੰਜ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਸਜਾਦ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਅਮਰ ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ, ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਪੈਦਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਅਕਬਰ ਲੱਥਾ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਡਿੱਠਾ, ਕਾਸਿਮ ਮਾਰਿਆ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਡਿੱਠਾ, ਵਿਰਾ 'ਤੇ ਤੇਰਾ ਜ਼ਰਬਾਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਡਿੱਠਾ, ਅੱਜ 'ਤੇ ਕੜੀਆਂ ਲੈ ਗਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੜਪਦੇ ਵੇਖਣ ਮਾਤਮੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ 'ਤੇ ਕੜੀਆਂ ਲੈ ਗਈਆਂ, ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਇੰਝ ਡਿੱਠਈ, ਬੀਬੀ ਅਲੀ ਸਜਾਦ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮਤਾ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਏ, ਅੱਜ ਭਾਈ ਦੱਸੀ ਆ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਮਾਰਿਆ ਏ ਮੇਰੀ ਦੀਦ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਅਲੀ ਸਜਾਦ ਸੱਚ ਪੁੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਦਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸਜਾਦ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਦਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਜਾਦ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਆਲਿਮਾ ਗੈਰੇ ਮੌਲਮਾ ਕਾਇਨਾਤ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਜਾਦ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਬੀਬੀ ਦੀ ਸਜਾਦ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੋ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੱਸ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਅੰਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬੀਬੀ ਦੀ ਸਜਾਦ ਸੱਚ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦਾੜੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਹੀ ਇਤਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਇਤਨਾ ਹੈ, ਸਜਾਦ ਮੈਂ ਥੱਕ ਪਈ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਸਤਰ ਆਖ ਦੇਵਾਂ, ਅੰਮਾ ਕੜੀਆਂ ਲੈ ਗਈਆਂ, ਬੀਬੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਨਵੈਂਦਾ, ਹਾਂ ਅੰਮਾ ਬੀਬੀ ਦੀ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਆਜ਼ਾਦਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਹਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਆਜ਼ਾਦਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ 'ਤੇ, ਔਰ ਜਬ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਰਸੀ ਹਰ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਹੀਦਾ ਉਮਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਏ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾ ਸੀ, ਅਹਿਸਾਨ ਕਿਹੜਾ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਕਰ ਗਈ, ਬੀਬੀ ਦੀ ਸਜਾਦ ਅਗਰ ਉਹ ਮੰਨ ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਸਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੁੜ ਉਹ ਬੈਠਾ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜੋ ਮੈਂ ਆਦੀਆਂ ਉਹ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਲੈ ਆ, ਅੰਮਾ ਕਿਆ ਲਿਖਵਾਵਾਂ, ਬੀਬੀ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖ ਲਿਖ ਕੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਿਆ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਮੁਜਰਿਮ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੜੀਆਂ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਬੀਬੀ ਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੜੀਆਂ ਪਵਾਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਫਿਰਾ ਮਾਸ਼ਾਵਾਸ, ਇਹ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ, ਹੌਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸਈਦ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਇਸ ਅਹਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਂਦਾ ਰਹੋ, ਅਲੀ ਦੀ ਆਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕੜੀਆਂ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਮੁਝ ਕੜੀਆਂ ਲਹਾ ਕੇ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਤੁਰ ਪਈ, ਤਰੇ ਮਾਮਲ ਤੁਰ ਪਏ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦ ਪੜਨ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਬੰਦ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਆਇਆ, ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਦੇ ਬੰਨੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਬਾਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਸਮ ਨਹੀਂ, 4 ਜੂਨ ਆਈ ਚਕਵਾਲ, ਉੱਥੇ ਬੰਨ ਪੜਿਆ, ਇਸ ਬੰਨ 'ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਾਤਮੀ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਵੇਖੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੁਣ ਪੜਾਇਓ ਸਈਦ, ਉਹ ਹੀ ਬੰਦ ਪੜਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਬਹਾ ਲੁਡਿਆਲ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿਸ ਟਾਈਮ, ਅਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਈਦਾਂ ਆਖਿਆ, ਭਾਈਆਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦ ਸੁਣਾਉਣਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਹੈ,
जे माफ़ी दोगे बाद मुकम्मल कर दे सा जिथे याद आया मैं दुआ करेंगा जदों अज के बाद मोबाइल रख लें अगर तू मछी तो टुरे ना इतने टुर दिन जेड़े जेड़े जो सफ़र करे ना ये बंद एक बार कल ना ला के ना मोबाइल तेन सुन जाएगा अगर तेरे दिल च हुसैन का दुखों की गल हुई तेरी हाय बेबस हो सी मैं अपने आप के रोवन वास्ते बंद पढ़ा हूं ना अपने रोवन वास्ते और मैं दिल सोचा तो मेरी अखा वस पाया सिर्फ अपने वास्ते फिर मेरा दिल किया मैं मिंबर से पढ़ा करबला दी जागीर दे बन्ने ते आए अली दी दी नू पता लगा करबला वस पई है बीबी आदि सजाद जदों मैं गई हाँ धुप ते आन बीबी आदि अज वलियां शुक्र खबरां बन गई बीबी आदि सजाद पर मैं गल करना चाहनी हाँ तेरे प्यो मजलूम ते गाजी दी जै कीती है कबर तैयार बीबी आदि वंजा खुंदे दरवाजे ते तेरी ज़ैनब शुकारा शाबाश शाबाश चलो मैं वो बंद पढ़ लवा तो तू मेरा साथ दे मैं नौकर हाँ बाबा मैं नौकर हाँ मंज आँखों दे दरवाजे ते तेरी ज़ैनब शुकार अफजाल मेरे सामने आवी यार अफजाल फिरा मेरी आवाज़ सुन रहे तो मेरे कोल आवी मेरा दिल मैं सत्र मुकम्मल करा मंज आँखों दे दरवाजे ते तेरी ज़ैनब शुकार ओ मैं कुर्बान जावा ओ मैं कुर्बान जावा एक बारी मैंने गल का जवाब देना जदों मातमी ने वेखना जदों मातमी जलूस लेके निकल दे हो फिर की कर दे हो अगे अलम पिछे शबी सैया दादा पिछे मातमी पिछे मसूरात आया ही नहीं बंदा जरा हाजिर होए जरा मातमी है मैंने वेखे मैं जुमला का अली दीदी तुर पई है सैया दादा सजाद मौला दे सामने हाथ बने रो के पिया दिए सालार शरीफ मुसाफिर मेरी पूरी कर मनशा चा बीबी अदिए फटे हुए पुरके मामा दे गाजी दा आलम बना ए हुण रोने बई हुण रोने हो शामलो थोड़ा जा साथ दे भी ला ला थोड़ा जा सुन दे हो सतर आखा जिन फटे हुए पुरके मामा दे गाजी दा आलम अफजाल फिरा नेड़े आवे मैं सतर पढ़ा ओ घिन फटे हुए पुरके मामा दे गाजी दा आलम हौसला 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 मेरा भाई हौसला जी बिस्मिल्लाह करा घिन फटे हुए पुरके मामा दे गाजी दा आलम मर जाने वाली गल है बड़ा अगली सतर अली दी धी सजाद दे सामने हाथ बने एक पासे कबर हुसैन दी एक पासे कबर अब्बास दी बीबी आदि कुछ मिट्टी लेके वो कबर गाजी दी मेरे सर दे जख्म लुका जा बीबी आदि इना दो कबरां दे हाथ दे विच मैनू जींदी नो दफना बीबी आदि मैं वतन नहीं जाना कुछ मिट्टी सिर सारे सिर का मतलब करो कुछ मिट्टी लेके वो कबर गाजी दी मेरे सर दे जख्म लुका जा बीबी आदी ना दो कबर दे हाथ दे विच मैनू जींदी नोहा एक नोहा पढ़ जावा नोहा पढ़ा तो मातम कर दियो सारे मातम कर दियो नोहा पढ़ा बीबी आदी शाम दी कैदन आई वे परदेसी अवीरण शाह कैदन आई वे परदेसी अवीरण शाह परदेसिया ओ मेरी हो गई कैद रिहाई वे सिर ते मातम सिर ते अच्छा अच्छा सैयदादे आप ते आई है मासूमा क्यों नहीं आई रो के पिया दी शिमला रदिया झिड़का तो डर मातम करो मातम तो डर गई कैद दे विच मासू मारे गई कैद दे विच मामा आई शाम दे विच दफनाई वे परदेसी अभी माशाल्लाह बहुत ही मंजूर और मकबूल मजलिस 27 सफर अल मुजफ्फर इंशाल्लाह ऐसे ही माँ बरगाह के अंदर मजलिस जाओ सी।